Student standard 6 subject maths chapter 5 understanding elementary shapes introduction hai all the shapes we see around us are formed using curves or lines we can see corners हमने देखा है corners edge edges planes open crow closed crow हम आपको पता है ओपन क्रव क्लोज क्रव इन आवर सराउंडिंग्स वी ऑर्गेनाइज दैम इन टू लाइन सेगमेंट एंगल्स एंगल्स, ट्राइंगल्स पॉलिजन्स एंड सर्कल्स ओके वी फाइंड दैट दे हैव डिफरेंट साइज एंड मेजर्स लेट अस हाउ लेटेस्ट नाउ ट्राई टू डेवलप टूल्स टू कंपेयर देयर साइज ओके मेजरिंग लाइन सेगमेंट सबसे पहला है मेजरिंग लाइन सेगमेंट ओके वी हैव ड्रो एंड सीन सो मेनी लाइन सेगमेंट आपने लाइन सेगमेंट ड्रो की है एंड देखी भी है अ ट्राइंगल इज मेड ऑफ थ्री अ कोडिलेटर ऑफ फोर लाइन सेगमेंट ट्राइंगल थ्री लाइन सेगमेंट से बनता है कोडिलेटर है वो फोर लाइन सेगमेंट से बनता है और लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स पोर्शन ऑफ अ लाइन दिस मेक इट पॉसिबल टू मेज़र अ लाइन सेगमेंट दिस मेजर ऑफ इट लाइन सेगमेंट इज अनिक नंबर कोल्ड इज लेंथ ईच लाइन सेगमेंट इज अ यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स लेंथ उसे क्या कहते हैं लेंथ कहते हैं वी अज दिस आइडिया टू कंपेयर लाइन सेगमेंट्स टू कंपेयर एनी टू लाइन सेगमेंट टू कंपेयर एनी टू लाइन सेगमेंट वी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन देयर लेंथस हम क्या उससे फाइंड उसकी रिलेशन उसका फाइंड आउट कर सकते उनके बीच का दिस कैन बी डन इन सर्वल वेस कंपेरिजन बाय ऑब्जर्वेशन कंपेरिजन बाय ऑब्जर्वेशन बाय जस्ट लुकिंग एट दैम कैन यू टेल विच वन इज लोंगर आप ये देख रहे हैं उसमें से बता सकते हो कौन सी लोंग है यू कैन सी दैट जो ए बी है जो ए बी लाइन सेगमेंट इज है वो है लोंगर बट यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट योर यूज जजमेंट फॉर एग्जाम्पल लुक एट द एडजाइनिंग सेगमेंट्स द डिफरेंस इज इन लेंथ बिटवीन दिस टू में नोट बी ऑबियस इसमें यह दोनों में आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सी लॉन्ग है दिस मेक्स अदर वेज ऑफ कंपेरिंग नेसेसरी इन दिस एडजस्ट फीगर ए बी सेगमेंट एंड पी क्यू लाइन ए बी लाइन सेगमेंट एंड पी क्यू लाइन सेगमेंट हैव द सेम लेंथ देखो यहाँ पे जो ए बी है और पी क्यू है उसकी लेंथ है वो सेम है दिस इज़ नॉट क्वाइट ऑब्वियस सो वी नीड बेटर मेथड ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते उसका मेज़र लिए बिना कि कौन सी लोंग है ओके कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग यहाँ पे देखो ए बी है और सी डी लाइन सेगमेंट है ओके टू कंपेयर ए बी लाइन सेगमेंट एंड सी डी लाइन सेगमेंट वी यूज़ अ ट्रेजिंग पेपर ट्रेज सी डी लाइन सेगमेंट एंड प्लेस द ट्रेज सेगमेंट ऑन ए बी लाइन सेगमेंट ओके कैन यू डिसाइड नाउ विच वन ए बी लाइन सेगमेंट एंड सी डी लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर आप बता डिसाइड कर सकते हो कौन सी लॉन्ग है द मेथड डिपेंड अपॉन द एक्यूरेंसी इन ट्रेसिंग अ द लाइन सेगमेंट मॉर एवर इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर विथ अनदर लेंथ यू हैव टू ट्रेस अनदर लाइन सेगमेंट दिस इज डिफिकल्ट ये डिफिकल्ट है एंड यू कैन नोट रेस द लेंथ एवरी टाइम यू वॉन्ट टू कंपेयर दैम हर बार आप लेंथ यू कैन नोट ट्रेस द लेंथ एवरी टाइम यू वॉन्ट टू कंपेयर दैम ये थोड़ा डिफिकल्ट है ठीक है उसके बाद है कंपेरिजन यूजिंग रूलर एन अ डिवाइडर ये आपको दिखाई दे रहा है डिवाइडर और रूलर भी आपको दिखाई दे रहा है आपने देखा ही होगा ठीक है हैव यू सीन और कैन यू रिकोगनाइज ऑल द इंस्ट्रूमेंट इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपके सभी इंस्ट्रूमेंट देखे हैं अमोंग अदर थिंग यू हैव अ रूलर एंड अ डिवाइडर देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नाव सॉरी नोट हाउ द रूलर इज मार्ग अमोंग वन ऑफ इट्स एज इट इज डिवाइड इंटू फिफ्टीन पार्ट्स देखो यहाँ पे ज़ीरो से फिफ्टीन है रूलर में ईच ऑफ दिस फिफ्टीन पार्ट इज ऑफ लेंथ वन सेंटीमीटर जीरो से वन मतलब वन सेंटीमीटर ज़ीरो से टू मतलब टू सेंटीमीटर ये आपको पता ही है ईच सेंटीमीटर इज डिवाइड इंटू टेन सब पार्ट्स देखो यहाँ पे जीरो और वन के बीच में देखो टेन लाइन होगी ठीक है ईज सब पार्ट ऑफ द डिविजन ऑफ अ सेंटीमीटर इज वन मिली मीटर ईच पार्ट है वो वन मिली है देखो यहाँ पे आपको बॉक्स में दिया है वन मिलीमीटर इज़ जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर टू मिलीमीटर मीटर इज़ जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर एंड सो ऑन टू पॉइंट थ्री सेंटीमीटर विल मीन टू सेंटीमीटर एंड थ्री मिली मतलब टू है तो आप पे के बाद लाइन लोगे मतलब सेंटीमीटर मिलीमीटर हाउ मैनी मिलीमीटर्स मेक वन सेंटीमीटर सेंस वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर सॉरी वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन मिलीमीटर. मीटर हाउ विल वी ब्राइट टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर आप कैसे लिखोगे टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू ट्वेंटी मिलीमीटर ऐसे थ्री का भी आप करना ठीक है वॉट डू यू मीन बाई सेवन पॉइंट सेवन सेंटीमीटर यहाँ पे हमने टू पॉइंट थ्री का देखा तो आप सेवन पॉइंट सेवन का आपको गेस uh, करना है कि क्या होगा ओके प्लेस द ज़ीरो मार्क ऑफ द रूलर एट ए देखो यहाँ पे है hey, जीरो पे ए रीड द मार्क अगेंस्ट बी और बी पे है सिक्स पे है या नहीं है सिक्स पे नहीं है सिक्स से uh, दो लाइन कम है मतलब एट वाला है ठीक है एट पे है दिस गिव्स द लेंथ ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट सपोज द लेंथ इज 5.8 फाइव पॉइंट सेंटीमीटर वी में राइट हम कैसे लिखेंगे लेंथ ए बी इज इक्वल टू फाइव पॉइंट सेंटीमीटर और मोर सिंपली एज ए बी इज इक्वल टू फाइव पॉइंट सेंटीमीटर ओके देर इज रूम फॉर एरर्स इवन इन दिस प्रोसीड्यर द थिकनेस ऑफ द रूलर में कोजिस डिफिकल्टीज इन रीडिंग ऑफ द मार्क्स ऑन इट उसके बाद ये देखो पोजिशनिंग एरर ओके यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये रोंग आई आई पोजिशन है उसके बाद करेक्ट आई पोजिशन है उसके बाद रोंग आई पोजिशन है ओके टू गेट करेक्ट मेजर द आई शुड बी करेक्टली पोजिश जस्ट वर्टिकली अबाउ द मार्क देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे अदरवाइज एरर कैन हैपन ड्यू एंड ग्यूलर व्यूइंग कैन यू

केयर दैट ओपनिंग ऑफ द डिवाइडर इज नोट डिस्ट्रीबेड डिस्ट्रीबूटेड लिफ्ट द डिवाइडर एंड प्लेस इट ऑन द रूलर देखो यहाँ पे रखा हुआ है जितना आपको फाइव सेंटीमीटर चाहिए तो जीरो से फाइव सेंटीमीटर तक है ओके इंश्योर दैट वन एंड पॉइंट इज एट द जीरो उसका वन एंड पॉइंट कौन सा है जीरो है मार्क ऑफ द रूलर नाउ रीड द मार्क अगेंस्ट द अधर एंड पॉइंट दूसरा एंड uh, पॉइंट कौन सा है फाइव है ओके okay? तो ये आपको समझ में आ गया है डिवाइडर रूलर ओके सो आप एक बार और रीड करना सो so, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा थैंक यू